नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे प्रिंटर का जो प्रेशर रोलर होता है, प्रेशर रोलर और टेफ्लॉन कैसे चेंज किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रेशर रोलर चेंज किया जाता है और ज़रूरत पड़े तो टेफ्लॉन भी हम चेंज कर देंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, ये जो प्रिंटर आपको दिख रहा है ये 1005 का मतलब 1005 का प्रिंटर है और इसमें ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे देखिए, मतलब हेजी टाइप मतलब प्रिंट आ रहा है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कैसे 1005 को डिसअसेंबल करते हैं। तो वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे तो आई बटन एंड स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आप जो 1005 वाला HP वाला प्रिंटर है उसको आप डिसअसेंबल कर सकते हैं। तो एक वीडियो में मैंने पूरा दिखा नहीं पाए क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था। तो इस वीडियो में हम इसको दिखाएंगे आपको कि कैसे आप प्रेशर रोलर को चेंज कर सकते। तो बाहर से ही दिख रहा है, यहाँ पे प्रेशर रोलर पे कुछ छेद वगैरह हो गया, इसलिए मतलब ये वाला जो प्रिंट आउट है यहाँ पे जो हेजी टाइप प्रिंट आउट यहाँ पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको पूरा पार्ट्स वगैरह यहाँ पे जो है उसको खोलना पड़ेगा और खोलने के बाद इसको चेंज करना पड़ेगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा कैसे मतलब ये वाला जो सेक्शन है इसको खोलते हैं और पार्ट्स को चेंज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के रखिए, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ, आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका सपोर्टिंग जो यहाँ पे दिख रहा है इसको भी खोलना पड़ेगा दोस्तों। ये स्कैनर का सपोर्टिंग है, इसको खोलना पड़ेगा पहले। तो हड़बड़ी मत कीजिए, ध्यान से धीरे धीरे खोलिए। तो देखिए ये वाला खुल गया, इसको साइड में रख देते हैं। अभी देखिए दोस्तों, ये वाला सेक्शन खोलने के लिए हम लोगों को यहाँ पे जो वायर वगैरह दिख रहा है आपको, ये वायर वगैरह आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये वाला सेक्शन नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे देखिए, जितना भी वायर है आप उसे निकाल लीजिए। इसको निकाल लीजिए, धीरे धीरे करके निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आर्थिंग है, इसको भी आपको निकालना पड़ेगा पहले। उससे पहले देखिए, यहाँ पे एक मतलब लॉक लगा हुआ है, इसको हमको पहले निकालना पड़ेगा। ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो खुलेगा नहीं। देखिए निकल चुका है, इसको धीरे धीरे करके तो निकाल लेना है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा निकल चुका है और अभी हम क्या करेंगे, जो वायर वगैरह था निकल चुका है और यहाँ पे आपको दिखाए थे, थोड़ा सा कैमरा को ऊपर करना पड़ेगा, यहाँ पे दोस्तों एक स्क्रू होता है, ये वाला स्क्रू को हमको निकालना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे भी एक स्क्रू होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे दोस्तों एक स्क्रू होता है, तो ये खोलने से पूरा सेक्शन निकल के आ जाएगा। तो देखिए अभी स्क्रू वगैरह तो खुल गया, तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए पूरा सेक्शन मेरे पास आ गया। तो इसको साइड में रख देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये वाला जो सेक्शन है इसको खोलना है, तो आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वाला लगा देते हैं पहले, तो छोड़िए इसको। तो देखिए पहले हम लोगों को क्या करना है, सेक्शन के यहाँ पे जो दो स्क्रू दिख रहा है आपको, दो स्क्रू खोल लेना है। देखिए दोस्तों ये वाला दो स्क्रू खोलने से कवर जो खुल गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप साफ साफ दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे जो टेफ्लॉन है ये पूरा टूट चुका है, यहाँ पे फाड़ गया है, तो टेफ्लॉन भी चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हमको ये वाला जो जो दो लॉक दिख रहा है आपको, ये लॉक को हमको खोल लेना है। तो लॉक को कैसे खोलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीछे के साइड में यहाँ पे एक लॉक होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला लॉक को हमको खोलना है। तो इसको थोड़ा सा खींचिएगा,
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेफ्लॉन तो टूट चुका है, तो इसको ओपन करने से ये टेफ्लॉन निकल जाएगा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्रेशर रोलर है ये भी मतलब टूट चुका है, प्रेशर रोलर को भी मतलब हम खोल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक लॉक होता है यहाँ पे, तो लॉक को थोड़ा सा ऊपर करके वाला खींच लेंगे और इसको धीरे से निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको लगा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे प्रेशर रोलर भी ख़राब हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं, और टेफ्लॉन भी ख़राब हो चुका है। तो इसको हम चेंज कर देंगे, मेरे पास नया वाला है, तो नया वाला टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर दोनों हम चेंज कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1020 वाला जो प्रेशर रोलर है, वो वाला प्रेशर रोलर यहाँ पे हमें लगाना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे अभी। देखिए सेम प्रेशर रोलर आपको दिख रहा है सेम, तो इसको हमको यहाँ पे लगा देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको नया वाला प्रेशर रोलर दिख रहा है, तो इसको हम धीरे से यहाँ पे लगा देंगे। तो ऐसे करके आप घुसा दीजिए धीरे से, और यहाँ पे देखिए बैठ गया है अभी। और अभी हम क्या करेंगे, टेफ्लॉन को भी चेंज कर देंगे। तो इसको यहाँ से खोल लेते हैं, पूरा फट गया दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे निकल जो है वो निकल के चला आया। तो इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, और हम क्या करेंगे, टेफ्लॉन का जो जेल होता है यहाँ पे देखिए, आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा, टेफ्लॉन जेल को लगा दीजिए। तो उससे क्या होता है, इसका जो लॉन्गजिविटी है वो बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे करके यहाँ से घुसा लीजिए। और थोड़ा सा घुमा लीजिए दोस्तों, तो क्या होगा, वो जो जेल है वो पूरा मतलब टेफ्लॉन के अंदर लग जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे इसका लॉन्गजिविटी जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब सूखेगा नहीं और फटेगा भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो लॉक है लॉक को भी यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पे लगा दिया, अभी हमको इसको भी लगा देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने पूरा टेफ्लॉन वगैरह सब कुछ लगा दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप एक बार घुमा के देख लीजिए ये फ्री से घूम रहा है कि नहीं। तो टेफ्लॉन जेल भी लगा दिया, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको असेंबल करेंगे और इसको भी लगा देते। चलिए तो ये भी लगा दिया, और ये भी मतलब प्रेशर रोलर का जो गियर है उसको भी चलिए लगा देते हैं यहाँ पे। तो देखिए अभी पूरा मतलब मैंने असेंबल कर दिया, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको प्रिंटर के साथ लगाएंगे
और असेंबल करके फिर आपको दिखा देते कि जो प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब हेजी वाला पिंट आ रहा था, वो इसके वजह से आ रहा था। आप देख ही सकते हैं जो प्रेशर रोलर पूरा मतलब फाड़ गया है और टेफ्लॉन भी मतलब टूट गया है, तो इसके वजह से आ रहा था। तो अभी मतलब वो वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो आपको असेंबल करके फिर से आपको दिखा देते प्रिंट आउट करके। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मतलब मैंने पूरा यहाँ पे सेट कर दिए। तो चलिए अभी क्या करते हैं, इसका जो कवर वगैरह कैबिनेट वगैरह है वो वाला लगा लेते और फाइनली आप लोगों को दिखा देते कि ठीक ठाक से प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों मैंने फाइनली पूरा असेंबल कर दिए, तो चलिए अभी इसको ऑन करते हैं प्रिंटर को और देखते हैं जो प्रॉब्लम आ रहा था पहले वो वाला प्रॉब्लम अभी आ रहा है कि नहीं, मतलब हेजी वाला प्रिंट आउट, खराब वाला प्रिंट आउट जो निकल रहा था। तो टेफ्लॉन और प्रेशर वाला चेंज करने से वो वाला गया कि नहीं, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो दोस्तों मैंने वही वाला पेपर ले लिया, तो ये वाला पेपर तो ठीक ठाक ही है, तो इसको हम यहाँ पे दे देते हैं। देखिए पहले वाला जो प्रिंट आउट था पहले आ रहा था, ये वाला आप लोगों को दिखा दिया था। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको देंगे और जीरोक्स करेंगे। तो चलिए प्रिंटर को ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रिंटर को 1005 प्रिंटर को कैसे डिसअसेंबल करते हैं उसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड करके रखा हुआ है, आप जाके चेकआउट कीजिए, आई बटन डिस्क्रिप्शन एंड एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। वहां पे आप लोगों को दिखाया था क्या प्रॉब्लम आ रहा था। तो देखिए अभी प्रिंटर ऑन हो चुका है, अभी हम क्या करेंगे, स्टार्ट कॉपी करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई खराब पिन नहीं आया, मतलब साफ साफ आपको दिख रहा है, पूरा क्लीन प्रिंट है। और पहले जो आ रहा था आप देख सकते हैं फर्क, यहाँ पे जो हेजी वगैरह आ रहा था यहाँ पे नहीं है दोस्तों। और प्रिंट आउट भी मतलब अच्छा हो चुका है, क्योंकि टेफ्लॉन और प्रेशर वाला चेंज करने से, मतलब ये वाला देखिए प्रिंट आउट का मतलब क्लैरिटी और भी बढ़ गया। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लियरिटी था उससे ज़्यादा क्लियरिटी यहाँ पे आ रहा है। तो ऐसे ही मतलब आपका अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप तो देख ही चुके हैं, मतलब प्रिंटर का कोई बोर्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर का एक दो पार्ट्स था उसका चेंज करने से मतलब ये वाला ठीक हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही मतलब आप लोग अगर प्रॉब्लम में मतलब प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को तो ऐसे ही ठीक कीजिए, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को सॉल्यूशन देने की। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।